बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये शरारत गाड़ी मेरे पास आई थी, इसमें मसला ये था कि ये 6-7-8 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी जो है बंद हो जाती थी, फिर 10-15 मिनट बाद स्टार्ट करो तो ये बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हो जाती थी। इसमें मसला ये था कि ये गाड़ी जो है इसमें फ्यूल पम्प इलेक्ट्रिक, किसी ने ये जेन्युइन फ्यूल पम्प निकाल के इलेक्ट्रिक लगाया हुआ था, और उसमें जो है वो रिटर्न वापसी पेट्रोल जाने के लिए वो उस इलेक्ट्रिक पम्प में चूँकि रास्ता नहीं होता तो गाड़ी ओवर कर जाती थी। फिर मैंने इसके साथ इसका जेन्युइन फ्यूल पम्प लगाया, ये देखिए इसके अंदर जेन्युइन रिटर्न होने के लिए जो एक्स्ट्रा पेट्रोल है वो रिटर्न जाने के लिए इसके अंदर फंक्शन बना हुआ है, और इसका वापसी वाला पेट्रोल मैंने चालू किया है जेन्युइन फ्यूल पम्प लगा के। उसके बाद गाड़ी बिल्कुल सही हो गई है, इसका वो जो मसला था थोड़ी देर लंबी चलने के बाद बंद होने वाला वो सही हो गया है। तो अगर किसी के साथ ये मसला पेश आ रहा हो और उसमें इलेक्ट्रिक फ्यूल पम्प लगाओ तो उसका यही हाल है कि उसमें जेन्युइन फ्यूल पम्प लगाएं जो मैकेनिकल फ्यूल पम्प है जो इंजन के साथ चलता है, उसके बाद गाड़ी बिल्कुल सही हो जाएगी। उम्मीद है ये मसला मैंने बहुत सारी गाड़ियों में देखा है, ये जो भी वीडियो देखेगा उसके काम आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर आज की वीडियो आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बेमानी।